Hello students, now we are going to start a new model. The model name is Bohr atomic model or its postulates. Before the explanation of this model, we will study about Bohr quantization condition. Bohr quantization condition क्या है? तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच एच अपॉन टू पाई. ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, एल का फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल एम बी आर, वो किसके होता है एन एच अपॉन टू पाई. ये कंडीशन है. और वेयर एन इक्वल क्या है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन ये है. द एंगुलर मोमेंटम हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल एन एच अपॉन टू पाई, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एच अपॉन टू पाई का. यही हमारी क्या है, बोहर कंडीशन है, क्वांटाइजेशन कंडीशन. अब बात करते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की. तो मेन पॉस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, फर्स्ट पॉस्टुलेट की बात करते हैं. फर्स्ट पॉस्टुलेट्स, बोहर्स ने क्या किया, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल की स्टडी की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का हेल्प लिया, और बोहर ने बताया, और बोहर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था. ठीक है, तो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को हम बोहर्स प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था इसमें, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या था, एन ऑल एटम का जो मास है वो एक स्मॉल और मैसिव कोर में सेंटर्ड था, जिसे हम कहते थे न्यूक्लियस. ऑल ऑटम या एन ऑटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर. ये मैसिव सेंट्रल कोर थी जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो कहां से मिलेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलेगा. इन्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से मिलेगा. ठीक है, ये बात कही थी न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में. सेकंड है आपके पास जो पॉस्टुलेट है, क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन. ठीक है, क्वांटम कंडीशन में क्या था, कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर पाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में, कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा, ठीक है, जिनके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल इक्वल एम बी आर, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन यानी एच ओवर टू पाई का. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व कर पाएगा जब उनके पास एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या थी, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो कोई भी रेडिएट यानी रेडिएशन एनर्जी या रेडिएट एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन द सर्कुलर ऑर्बिट, वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। तो दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स क्या है हमारे, दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स और कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, क्या है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन ले देते हैं, फ्रीक्वेंसी कंडीशंस। सपोज दैट एनर्जी E1 और E2 हैं, एसोसिएट हो रही हैं, ठीक है, E1 और एनर्जी है E2, हायर और लोअर ऑर्बिट्स, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो E=, फार्मूला होता है H2- यानी E=E2-E1, E=, होता है h(ν)E2-E1, ठीक है। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट्स थी जो, ठीक है, बोहर्स ने दी अपने एटॉमिक मॉडल्स में, ठीक है, उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स की स्टडी की, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया, और फिर बोहर्स ने ये चार पोस्टुलेट्स दी, ठीक है, न्यूक्लियर कंसेप्ट दिया, क्वांटाइजेशन कंडीशन दी, ठीक है, और स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बताया, और फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक।